जिस चीज का डर था वही हुआ, मुक्ति को है वायरल। ठीक है, अभी तो पाव ही भाग रही है, मेरा पाव ले ले। हेलो एवरी फैमिली, कैसे हो, क्या हाल चाल, आई होप यू आर डूइंग बेमिसाल। हम आए थे मुंबई करने शूट, वीडियोस बनाने, परंतु लेने के लेने पड़ चुके हुए हैं। मुक्ति को कल घुमाने फिराने लेके गए थे, जिस चक्कर में उसकी तबीयत जो है वो काफ़ी ख़राब हो चुकी हुई है, थोड़ा सा फीवरिश लग रहा है उसे, फीवर की दवाई देनी है, पर उससे पहले कुछ खिलाना पड़ेगा। तो अभी मैंने ब्लिंकिट से मंगाई थी ब्रेड, थोड़ी पनीर की भुर्जी थी हमारे पास, तो सैंडविच बनाने लगा हूँ। तो मुक्ति का एक बढ़िया सा ब्रेकफास्ट कराते हैं, दवाई खिलाते हैं, और उसके बाद आज उसे डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। मुक्ति गुड मॉर्निंग, आपके लिए सैंडविच। ये जो हमारी ट्रैवलिंग है ना वो बहुत ज्यादा हेक्टिक हो गई हुई है, मतलब घर से बाहर इतने ज्यादा दिनों के लिए काम के लिए शायद ही कभी हम निकले होंगे। सोचा नहीं था ये हालत हो जाएगी मुक्ति की। अभी ब्रेकफास्ट खत्म करके तैयार होके चलते हैं डॉक्टर के पास, देखते हैं डॉक्टर क्या कहता है। फाइनली दोबारा से सब उठ गए हुए हैं क्योंकि ओंकार ने बनाया मुक्ति के लिए ब्रेकफास्ट। उसके बाद क्या हुआ आप बताओ। मैं फिर सो गया क्योंकि मुक्ति बहुत ही ज्यादा सुस्ती वाली वाइब छोड़ रही थी और मैंने वो वाइब पकड़ ली, वो वाइब्रेशन ओंकार ने पकड़ के अपने अंदर डाल ली, और ये भी सो गया था। अभी हम उठे हैं, ऐश लंच में आज बना रही चिल्ला, तो चिल्ले के लिए सामान लेने जा रहे हैं हम मार्केट। उसके बाद मुक्ति को लेके जाएंगे डॉक्टर के, जो भी दवाई वगैरह होगी सारा कुछ होगा वो करेंगे, तो चलते हैं मार्केट सामान लेके आते हैं। और ना मुंबई की एक बात मैं बताना चाहूंगा, ये शहर में रात के 2 कैसे बज जाते हैं पता ही नहीं चलता भाई, शहर पूरा एक्टिव है, मतलब रात को 2-3 बजे सो रहे हैं हम, बहुत दिक्कत है, शांति नहीं होती है। अभी जैसे अभी भीड़ है ना, रात को 2 बजे इससे आधी होगी पर भीड़ होगी। तो जी शॉपिंग सारी हमारी हो चुकी हुई है, और नीचे आके एक बहुत ही बढ़िया चीज हमें पता लगी है कि डॉक्टर जो है वो हमारे साथ वाली बिल्डिंग में ही है, तो मुक्ति को नीचे बुला लिया कि आ जाओ डॉक्टर के पास दर्शन देके आते हैं। ओए चलो आ जाओ, तुझे लेके आया हूँ, हाथ दे अपना, डॉक्टर बुला रहा है, डॉक्टर बुला रहा है, चलो आओ, चलो आ जा। जिस चीज का डर था वही हुआ, मुक्ति को है वायरल, डॉक्टर ने दवाई प्रिस्क्राइब कर दी हुई है, अभी लग रहा है इंजेक्शन, और मुक्ति को स्ट्रिक्ट रेस्ट करने की जरूरत है अगले 4 दिन। और वही लड़की कैसा लगा इंजेक्शन लगा के? जबरदस्ती लगवा दिया यार, जबरदस्ती थी, ठीक होने के लिए लगवाया, मेडिसिन भी ले सकते थे, मेडिसिन भी ले दी है, मुक्ति को लगा दिया हुआ है, अब हमने रेस्ट मोड पे, और मुझे अपनी तबीयत बिना ठीक नहीं लग रही है, गला सा खराब लग रहा है, जुकाम है, तो अभी स्टीम लूंगा, गरारे करूंगा, और फूडी की वीडियो में आएगा एक चेंज, मतलब अभी आए हैं वीडियोस तो बनानी है, तो शायद मैं और आदित्य हम ही वीडियो बनाएं और मुक्ति उसमें पार्ट ना ले पाए। और यहाँ पे आदित्य अभी एक बारी फिर से शॉपिंग करके आए, क्या बहुत है, क्या मिर्चे लेके आए भाई, ये वो लग रही है बीन्स। ये मैंने पूछा भैया मिर्ची तीखी होती है, वो कहते हैं ये वाली तीखी होती है और ये वाली तीखी नहीं होती, ये फ्लेवर है बस, मतलब फ्लेवर देने के लिए अच्छी है, पर भाई बॉडी डिफरेंट है मिर्च, बॉडी लंबी लंबी सी। तो आज क्या बनाने लगा है, खरीद लाया, खाने में क्या बना रहा है? मैं नहीं बना रहा है, ऐश्वर्या बना रही है चिल्ले, चिल्ले अच्छा अच्छे बने आए हो, और दही भी है साथ में, सारा कुछ है, आज बढ़िया से खाना बनाएंगे और आराम से खाएंगे बैठ के। अभी ना मैं गरारे कर रहा था और मुझे ना मतलब ऐसे याद आया कि काफी लोग बोलते हैं मुंबई में लोगों के घर छोटे होते हैं, जगह कम होती है, ऐसा कुछ नहीं है, घर प्रॉपर खुले डुले, छोटी चीजें जो होती है वो मैं दिखाता हूँ, जैसे कि गीजर, ये बहुत ज्यादा छोटे साइज का है, यहाँ पे सिंक भाई बहुत ही ज्यादा छोटे साइज के, ट्यूबलाइट तक बहुत ज्यादा छोटे साइज की है। तो मुंबई में ये चीज कहनी बंद कर दो कि घर छोटे होते हैं, जगह कम होती है, खुले डुले हैं, और छोटी होती है थोड़ी दरवाजे की हाइट, मतलब मेरा सिर बच गया था यहाँ पे। हमारा टेस्ट चिल्ला बन चुका है और इतना ज्यादा टेस्टी बना है ना, इसका बैटर तैयार किया है दही में, तो बहुत ही सॉफ्ट बना है और बहुत ही बढ़िया टेस्ट आ रहा है, मजेदार, प्याज टमाटर लाने का फायदा हो गया, पहले तो मैं ऐसे ही बना लेंगे, बट जो चीज प्याज टमाटर धनिया डाल के स्वाद आता है ना, गजब, बॉडी मजेदार। पहले दिन ली मुक्ति ने स्टीम, दूसरे दिन ली मुक्ति और ऐश्वर्या ने स्टीम, आज तीसरा दिन है, आज मुक्ति, ऐश्वर्या और ओंकार तीनों स्टीम ले रहे हैं। अब मुझे अपना डर बैठ गया है कि मेरी बारी भी कहीं जल्दी ना आ जाए। चौथा दिन कर ली है, मतलब कि हमने यहाँ पे स्टीम का जो पत्ता है ये खत्म करना है, यहाँ पे पैसे खर्चे इतने भी नहीं खर्चे यार, और यूजली लोग गर्म
जगह से ठंडी जगह जाके बीमार होते हैं, उनको कोल्ड होता है, यहाँ पे उल्टा हो गया है, ठंडी से गर्म जगह आए सब बीमार पड़े। ये सब हुआ है इंडिगो की वजह से, मैं सच्ची बता रहा हूँ, ये इंडिगो की वजह से हुआ है। बहुत गंदे होते हो। नहीं नहीं सच्ची में उनकी वजह से हुआ है यार, वो उस दिन बहुत ज्यादा टायर्ड हुए। अपने एयरबीएनबी पे बैठे हुए ना और बीमार फील हो रहा था एंड अजीब सा फील हो रहा था, तो मैं और आदित्य आ गए नीचे सैर करने और सोच रहे चाय पीने के लिए, क्योंकि उस दिन चाय लगी थी बहुत ही ज्यादा स्वाद। हाँ, तो सोचा एक एक चुस्की मार ले, और क्वांटिटी भी थोड़ी सी होती है तो इनफ है हमारे लिए, तो चाय पिएंगे हम दवाई के रूप में। भैया दो कटेंगे। गला ठीक हो जाएगा तुम्हारा, अदरक वाली है सच में, चाय लगी नहीं थी, दवाई लग रही है क्योंकि अदरक वगैरह डाली हुई जो गले को सच में बहुत आराम देने वाली है। बहुत बढ़िया, मजा आ गया, अब लग रहा है जल्दी ठीक हो जाऊंगा। अभी ना रास्ते में अपने को एक दुकान दिख चुकी है जहाँ पे लकड़ का काम बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, मतलब ये आर्ट वाला काम है ना। मतलब इस तरीके के टेबल्स बने हुए बहुत जगह देखे हैं पर दिखते हुए कहीं नहीं देखे। हमारे स्टूडियो में भी है दो टेबल ऐसे, बट ऐसी शॉप नहीं देखी जहाँ पे ये कटआउट पड़े हुए हैं, आप यहाँ से ले जा सकते हो या ये बना के देते हैं, प्राइस पता करते हैं। बहुत ही बढ़िया शॉप, दुकान सच में अच्छी है एंड काफी लोग इस चीज को ना कबाड़ बोलते होंगे, पर ये कबाड़ यहाँ पे बहुत ज्यादा महंगा बिक रहा है। ये एक तरीके से वेस्ट ही है जो कि दिखने में थोड़ी अच्छी लग रही है, अगर इसको तरीके से यूज किया जाए, तरीके से यूज पर महंगा है थोड़ा, है ना। थोड़ा महंगा है। हमने जो अपने स्टूडियो में टेबल बनवाया है ना, वो इससे कंपेयर किया जाए बहुत ही ज्यादा सस्ते में बना लिया, बिकॉज हम आरे पे गए, लकड़ पसंद करी, कटवाई और कारपेंटर को बुला के पॉलिश करवा ली। ये दुकान का फायदा पता क्या, बस यहाँ से आप नहीं यहाँ से आप आइडिया ले सकते हो, यहाँ से आइडिया लेके खुद इम्प्लीमेंट कर लो, पैसा भी बचेगा, चीज भी अच्छी बन जाएगी। वापिस आ गए एयरबीएनबी, और ये अपनी जो लिफ्ट है ना आदि, इसका फीचर लोगों को भी दिखा देते, ये कहीं पे भी रोक सकते हैं। भैया वेट कर रहे हैं। नहीं अटक जाता ऐसे, आज तक तो अटका नहीं, हमारी किस्मत अच्छी है। अटक गए ना तो तुम्हें बोलूंगा, फोन करके बुलाओ किसी को। अभी हमने बस थोड़ी सी ही सैर करी है जिसमें थकावट फील हो रही है बहुत ज्यादा, तो मैं लगा हूँ अब लेट दे। मुक्ति भी लेटी हुई है लेटा जोरी। तो मीन वाइल आदित्य और ऐश कर रहे हैं फन शन, यहाँ पे मैंने खाने के लिए मंगा लिया वड़ा पाव जो मैं खत्म कर चुका हूँ, और भाई साहब मेरा पूरा का पूरा ऑर्डर जो मैंने किया था 200 रुपए के अंदर आ चुका हुआ है इंक्लूडिंग डिलीवरी चार्जेस। ये वड़ा पाव एक और है, ये मैंने मंगाया मिसल पाव, जो भी खोलता हूँ फिर दिखाता हूँ। वैसे तो ना मुझे मिसल पाव का एक्सपीरियंस एक बढ़िया से रेस्टोरेंट में लेना चाहिए था, पर अभी फिलहाल बाहर जा नहीं सकते, तो ऑनलाइन जो ऑप्शन मिली मैंने मंगा लिया हुआ है, और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया मामला कि खाना कैसे है, क्योंकि ये नमकीन दी हुई है, चटनियाँ दी हुई है, प्याज दिया हुआ है, और ये ग्रेवी है। आई थिंक ये सारा सामान इसके अंदर डालना है और फिर खाना है। अभी के लिए ऐसे ही मतलब थोड़ा जुगाड़ सा करके खा लेते हैं, और जल्द ही रेस्टोरेंट में जाके भी मिसल पाव खाएंगे, देखते हैं मैं सही था खाने में या नहीं। मैंने ना ये मिसल पाव को नमकीन की सब्जी बना दिया हुआ है, जो कि टेस्ट में बुरी नहीं लग रही है, अच्छी लग रही है। आहा भाई, महाराष्ट्र में भी ना लोग पूरा करारा खाते हैं, और करारा ना लगे तो साथ में हरी मिर्च का रिवाज तो है ही है। एक नंबर, मजा आ गया। और गाइस एक कपल यहाँ पे हो चुका है पूरा रेडी, तो आपको शीशे में दिखाता हूँ, पूरे हमने कपड़े वपड़े डाल लिए हैं, और दूसरा कपल दिखाता हूँ क्या कर रहा है। द बीमार कपल इज ऑन द बेड रिलैक्सिंग मोड पे, बीमार कपल यहाँ पे मोबाइल पे एंटरटेनमेंट कर रहा है, वो भी कॉफी विद करण देख के। हमको अच्छा नहीं लग रहा है, हम चाहते हैं कि हम बाहर जाएं पर जा नहीं पा रहे, हमारा शरीर हमें इजाजत नहीं दे रहा। हे प्रभु हे हरी राम। तो अभी ओंकार ने ही खुद आइडिया दिया कि बीमार हम दोनों, तुम दोनों घर पे क्यों बैठे हो, तुमने तो बात तो ठीक है। तो हमने यहाँ पे आसपास कुछ रेस्टोरेंट देखे, हमें कुछ नहीं समझ आया हम कहाँ जाके आज डिनर करें, फिर मैंने विराज भाई को कॉल लगाया, उन्होंने मुझे कुछ रिकमेंडेशंस भेजी हैं, तो अभी हम निकलते हैं, देखते हैं कौन सा रेस्टोरेंट आज हमें भाता है और कहाँ पे हम जाके खाता है। बस आते वक्त हमारे लिए अंडा पाव ले आना। हाय हाय मुक्ति ने मना कर देना, वड़ा पाव ले आना, मिसल पाव ले आना, पाव ले आना किसी भी चीज के साथ। ठीक है, रवि लोग पाव ही मांग रही है, बिना पाव ले ले, बड़ा पाव ले ले, छोटा पाव छोड़, बड़ा पाव नहीं। भैया जुहू है, इंजन नहीं है। अच्छा, ऐसे टाइम पे निकले ना हम दोनों, एक भी खाली ऑटो नहीं मिल रहा, एक भी खाली ऑटो नहीं मिल रहा, सारे भरे हुए हैं, सारे ऑटो बहुत आ रहे हैं, सब भरे हुए हैं। अरे रुक जाओ भाई, कोई तो खाली आ जाओ, एक मिला था वो भैया बोलते CNG नहीं है, बताओ। आया जुहू
यहाँ पे खाना खा के हो गए हैं फ्री, खाना बहुत अच्छा था, बट यहाँ पे मेरी बीवी को नहीं मिला अपना थिक शेक। तो हमने एक जगह देखी है वर्सोवा में, वहाँ पे मिल जाएगा। अरे 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 भैया आराम से यार, ऐसे ना करो यार। अच्छा चलो भैया, भैया डिस्काउंट देना पड़ेगा, बंदा भी नीचे आ जाता है ऑटो के। तो गाइस फाइनली हम आ गए हैं वॉक करने वर्सोवा बीच पे, और ये वाला बीच बहुत ही अच्छा लगा मुझे। मतलब ये एकदम साफ सुथरा, सिर्फ शांति यहाँ पे और कुछ नहीं है। इट इज वे बेटर देन कौन से बीच पे गए थे हम? जुहू से तो बहुत बढ़िया है, बहुत ही शांत है और ज्यादा गंद नहीं है यहाँ पे, कचरा नहीं है। और अभी बस हम निकल रहे हैं अपने एयरबीएनबी के लिए, बाहर जाते हैं और ऑटो लेते हैं। फाइनली पहुंच गए हैं अपने रूम पे, और मुक्ति ओंकार जब तक हम आए सो चुके हैं, और अभी हम करते हैं व्लॉग को। कहते व्लॉग अच्छा लगा, व्लॉग लाइक करते, चैनल को सब्सक्राइब करते, कमेंट करते, शेयर करते अपने दोस्तों के साथ। बाय बाय टाटा, गुड नाइट, मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में। आई होप कल मुक्ति और ओंकार एकदम उड़ जाएं, एकदम एनर्जेटिक हो जाएं, एकदम सही हो जाएं, कि हम अपना शूट भी कंटिन्यू कर सकें और थोड़ा सा मुंबई एक साथ भी घूम सकें। और कमेंट कर दो अपनी वेल विशेस। बाय बाय।